प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने फिरोजपुर पंजाब फेरी ते आना सी और आए उन्होंने सुरक्षा की चूक नू लेके एक बहस चली हुई है और इस तरह पेश किया जा रहा है जिवें पंजाब विच उन्हां दी जान नू खतरा होवे, जबकि यह सुरक्षा एजेंसियां दी लापरवाही का नतीजा है या फिर सरकार दी आपो विची सरकारां दी लड़ाई है। इस नू जिस ढंग नाल प्रधानमंत्री ने गैर जिम्मेवार बयान देके तूल देण दी कोशिश कीती है वो बहुत मंदभागा है। पंजाब दे लोक भुग वसदे पंजाब विच नौ मास दे रिश्ते वांग पंजाब विच हिंदू ते सिख बहुत वधिया ढंग नाल रह रहे ने और मैं अपील करदा सारियां धिरां नू कि इस पंजाब दा माहौल खराब करन लई इस मुद्दे नू तूल ना दित्ती जावे। पंजाब इस देश दा दी खड़क भुजा है, पंजाब हर रोज कुर्बानियां दिंदा है, बॉर्डर दे उत्ते पंजाबी रोज कुर्बानियां दिंदे ने, इहदी भी अहमियत समझी जाए। ते मैं अपील करदा पंजाबियां नू खास तौर ते इह बहकावे विच ना आउण, अपने रिश्तियां नू असीं किसी कीमत ते खराब नहीं होण देवांगे। मैं उम्मीद करदा सारे स्थिति नू समझ के ए सियासी ड्रामेबाजी तो दूर रहेंगे। 5 जनवरी नू प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने फिरोजपुर पंजाब फेरी ते आना सी और आए उन्होंने सुरक्षा की चूक नू लेके एक बहस छिड़ी हुई है और इस तरह पेश किया जा रहा है जिवें पंजाब विच उन्हां दी जान नू खतरा होवे, जबकि यह सुरक्षा एजेंसियां दी लापरवाही का नतीजा है या फिर सरकार दी आपो विची सरकारां दी लड़ाई है। इस नू जिस ढंग नाल प्रधानमंत्री ने गैर जिम्मेवार बयान देके तूल देण दी कोशिश कीती है वो बहुत मंदभागा है। पंजाब दे लोक भुग वसदे पंजाब विच नौ मास दे रिश्ते वांग पंजाब विच हिंदू ते सिख बहुत वधिया ढंग नाल रह रहे ने और मैं अपील करदा सारियां धिरां नू कि इस पंजाब दा माहौल खराब करन लई इस मुद्दे नू तूल ना दित्ती जावे। पंजाब इस देश दा दी खड़क भुजा है, पंजाब हर रोज कुर्बानियां दिंदा है, बॉर्डर दे उत्ते पंजाबी रोज कुर्बानियां दिंदे ने, इहदी भी अहमियत समझी जाए। ते मैं अपील करदा पंजाबियां नू खास तौर ते इह बहकावे विच ना आउण, अपने रिश्तियां नू असीं किसी कीमत ते खराब नहीं होण देवांगे। मैं उम्मीद करदा सारे स्थिति नू समझ के ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਗੇ। 5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਪੰਜਾਬ ਫੇਰੀ ਤੇ ਆਉਣਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਚੂਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਬਹਿਸ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋਵੇ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪੋ ਵਿਚੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗੈਰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਤੂਲ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਭੁੱਗ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨੌ ਮਾਸ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਤੂਲ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੜਕ ਭੁਜਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਰੋਜ਼ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਸਮਝੀ ਜਾਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਬਹਿਕਾਵੇ ਵਿਚ ਨਾ ਆਉਣ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਤੇ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਸਾਰੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਗੇ। 5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਪੰਜਾਬ ਫੇਰੀ ਤੇ ਆਉਣਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਚੂਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਬਹਿਸ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋਵੇ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪੋ ਵਿਚੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗੈਰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਤੂਲ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਭੁੱਗ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨੌ ਮਾਸ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਲਈ
इस मुद्दे नूं टूल ना दित्ती जावे। पंजाब इस देश दा इतनी खड़क भुजा है, पंजाब हर रोज कुर्बानियां दिंदा है, बॉर्डर दे उत्ते पंजाबी रोज कुर्बानियां दिंदे ने, इहदी भी अहमियत समझी जाए। ते मैं अपील करदा पंजाबियां नूं खास तौर ते इह बहकावे विच ना आउण, अपने रिश्तियां नूं असीं किसी कीमत ते खराब नहीं होण देंगे। मैं उम्मीद करदा सारे स्थिति नूं समझ के इह सियासी ड्रामेबाजी तों दूर रहणगे। 5 जनवरी नूं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने फिरोजपुर पंजाब फेरी ते आउणा सी और ओह आए, उन्हां दी सुरक्षा दी चूक नूं लैके इक बहस छिड़ी हुई है और इस तरह पेश कीता जा रहा है जिवें पंजाब विच उन्हां दी जान नूं खतरा होवे, जदके इह सुरक्षा एजेंसियां दी लापरवाही दा नतीजा है या फिर सरकार दी आपो विची सरकारां दी लड़ाई है। इस नूं जिस ढंग नाल प्रधानमंत्री ने गैर जिम्मेवार बयान देके टूल देण दी कोशिश कीती है, ओह बहुत मंदभागा है। पंजाब दे लोक भुगवस दे पंजाब विच 9 मास दे रिश्ते वांग पंजाब विच हिंदू ते सिख बहुत वधिया ढंग नाल रह रहे ने और मैं अपील करदा सारियां धिरां नूं कि इस पंजाब दा माहौल खराब करन लई इस मुद्दे नूं टूल ना दित्ती जावे। पंजाब इस देश दा इतनी खड़क भुजा है, पंजाब हर रोज कुर्बानियां दिंदा है, बॉर्डर दे उत्ते पंजाबी रोज कुर्बानियां दिंदे ने, इहदी भी अहमियत समझी जाए। ते मैं अपील करदा पंजाबियां नूं खास तौर ते इह बहकावे विच ना आउण, अपने रिश्तियां नूं असीं किसी कीमत ते खराब नहीं होण देंगे। मैं उम्मीद करदा सारे स्थिति नूं समझ के इह सियासी ड्रामेबाजी तों दूर रहणगे। 5 जनवरी नूं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने फिरोजपुर पंजाब फेरी ते आउणा सी और ओह आए, उन्हां दी सुरक्षा दी चूक नूं लैके इक बहस छिड़ी हुई है और इस तरह पेश कीता जा रहा है जिवें पंजाब विच उन्हां दी जान नूं खतरा होवे, जदके इह सुरक्षा एजेंसियां दी लापरवाही दा नतीजा है या फिर सरकार दी आपो विची सरकारां दी लड़ाई है। इस नूं जिस ढंग नाल प्रधानमंत्री ने गैर जिम्मेवार बयान देके टूल देण दी कोशिश कीती है, ओह बहुत मंदभागा है। पंजाब दे लोक भुगवस दे पंजाब विच 9 मास दे रिश्ते वांग पंजाब विच हिंदू ते सिख बहुत वधिया ढंग नाल रह रहे ने और मैं अपील करदा सारियां धिरां नूं कि इस पंजाब दा माहौल खराब करन लई इस मुद्दे नूं टूल ना दित्ती जावे। पंजाब इस देश दा इतनी खड़क भुजा है, पंजाब हर रोज कुर्बानियां दिंदा है, बॉर्डर दे उत्ते पंजाबी रोज कुर्बानियां दिंदे ने, इहदी भी अहमियत समझी जाए। ते मैं अपील करदा पंजाबियां नूं खास तौर ते इह बहकावे विच ना आउण, अपने रिश्तियां नूं असीं किसी कीमत ते खराब नहीं होण देंगे। मैं उम्मीद करदा सारे स्थिति नूं समझ के इह सियासी ड्रामेबाजी तों दूर रहणगे। 5 जनवरी नूं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने फिरोजपुर पंजाब फेरी ते आउणा सी और ओह आए, उन्हां दी सुरक्षा दी चूक नूं लैके इक बहस छिड़ी हुई है और इस तरह पेश कीता जा रहा है जिवें पंजाब विच उन्हां दी जान नूं खतरा होवे, जदके इह सुरक्षा एजेंसियां दी लापरवाही दा नतीजा है या फिर सरकार दी आपो विची सरकारां दी लड़ाई है। इस नूं जिस ढंग नाल प्रधानमंत्री ने गैर जिम्मेवार बयान देके टूल देण दी कोशिश कीती है, ओह बहुत मंदभागा है। पंजाब दे लोक भुगवस दे पंजाब विच 9 मास दे रिश्ते वांग पंजाब विच हिंदू ते सिख बहुत वधिया ढंग नाल रह रहे ने और मैं अपील करदा सारियां धिरां नूं कि इस पंजाब दा माहौल खराब करन लई इस मुद्दे नूं टूल ना दित्ती जावे। पंजाब इस देश दा इतनी खड़क भुजा है, पंजाब हर रोज कुर्बानियां दिंदा है, बॉर्डर दे उत्ते पंजाबी रोज कुर्बानियां दिंदे ने, इहदी भी अहमियत समझी जाए। ते मैं अपील करदा पंजाबियां नूं खास तौर ते इह बहकावे विच ना आउण, अपने रिश्तियां नूं असीं किसी कीमत ते खराब नहीं होण देंगे। मैं उम्मीद करदा सारे स्थिति नूं समझ के इह सियासी ड्रामेबाजी तों दूर रहणगे।